अंधेरा कायम रहे। कागोदर ताकत, तुमने ताकत को ही नहीं समझा अब तक। तुम्हें पता है सिर्फ अपनी ताकत का, और यही है वजह शक्तिमान से तुम्हारी मात की। मतलब मैं समझा नहीं महामहिम। समझे बगैर दुश्मन की ताकत को उस पर हमला बोल देना सरासर बेवकूफी है। बहुत जरूरी होता है जंग से पहले जानना दुश्मन की पूरी ताकत को। यानी पहले हमें शक्तिमान की शक्तियों को जानना चाहिए। हाँ, तभी जान पाओगे शक्तिमान की कमजोरी भी। याद रखो, उसकी कमजोरी जाने बिना कभी नहीं दे पाओगे उसको मात। जी महामहिम। इसीलिए तुम्हें करना है शक्तिमान का शक्ति परीक्षण। और हाँ, इस बार लगानी होगी अपनी पूरी ताकत, क्योंकि शायद दूसरा मौका न मिले तुम्हें। या तो आकर सुनाओगे शक्तिमान की मौत की खबर, या तैयार रहना अपनी मौत के लिए। जी मामा। अंधेरा कायम रहे। शुरू करना ही होगा मुझे मौत का खेल। शक्ति परीक्षण, शक्तिमान का शक्ति परीक्षण। हमारा मकसद भी यही है कि शक्तिमान की शक्तियों को जाने हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी छापा है वह सब साबित हो चुका है। शक्तिमान एक ऐसा हीरो है जिसने कई बार हमें कई वीरों से बचाया है, लेकिन कब और क्यों ये दो सवाल अभी भी बाकी है, और हमारे पाठक इसका जवाब जानने के लिए आज भी उत्सुक है। पर ये हम कैसे कह सकते हैं कि शक्तिमान ने हमें बचाया है? हो सकता है शक्तिमान ने सिर्फ अपने आप को बचाया हो। यस सर, सुधांशु हैज गॉट अ पॉइंट। वरना शक्तिमान से पहले कपाल और इलेक्ट्रिक मैन जैसे लोग नजर क्यों नहीं आए? उनकी जरूर शक्तिमान से कोई रंजिश है, वरना आम लोगों से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? आई डोंट गेट इट। शक्तिमान से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? हम जानते हैं। हम बता सकते हैं कि शक्तिमान भैया से उनकी क्या दुश्मनी है। आप जानते हैं? जी हाँ संपादक महोदय जी, हम बता सकते हैं, हम जानते हैं। दरअसल क्या है, अपनी बाल्यावस्था में हम सब लोग मिलकर गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो इट्टी डंडा खेला करते थे। एक बार क्या हुआ, संध्या का समय था, खेलते खेलते अचानक शक्तिमान भैया गिल्ली को उठाकर भाग गए। तब से ये दुष्ट लोग डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ते रहते। हाँ, लेकिन आप अपनी वो क्या कहते हैं बुद्धि के पीछे डंडा लेके क्यों पड़े रहते हैं मिस्टर गंगाधर? देखिए गीता विश्वास जी, हमें प्रतीत होता है कि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो पूछ लीजिए, शक्तिमान भैया से स्वयं पूछ लीजिए। ये उसी गिल्ली का प्रताप है जो उनके पास इतनी सारी अभूतपूर्व शक्तियां हैं। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्तिमान के पास कितनी शक्तियां हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। लेकिन शक्तिमान ने जो कुछ किया वो सबके सामने है, उसका एक एक एक्शन लोगों ने देखा है। हाँ, लेकिन हमें उसके हर एक एक्शन को डिस्क्राइब करना होगा, उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट करना होगा, और उसकी शक्तियों का लेखा जोखा तैयार करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें सारा काम छोड़कर शक्तिमान के पीछे लग जाना पड़ेगा। हाँ तो लग जाओ, ये आर्टिकल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, और ये आर्टिकल का शीर्षक होगा शक्तिमान की शक्तियाँ। हाँ, ढिंग टड़ेंग, शक्तिमान की शक्तियाँ। और इसमें आप गिल्ली डंडे का उल्लेख तो निसंकोच कर सकती है देवी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उल्टा हम तो आपको इस लेख में संपूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ओहो, you mean you want to assist me? Yes, yes. No, thanks. Okay, sir. मैं आज ही इस आर्टिकल पे काम शुरू कर देती हूँ। हटो यहाँ से। देवी जी, यदि आप हमें अपने इस लेख में सहभागी बनाना स्वीकार करें तो हम शक्तिमान भैया के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं आपको। हम सचमुच शक्तिमान भैया के साथ गिल्ली डंडा खेले थे। हम जानते हैं कि शक्तिमान की शक्ति का राज क्या है। अच्छा, तो बताइए। तो सुनिए, शक्तिमान की शक्ति का राज है धोबी छाप नहाने का साबुन। कम घिसे ज्यादा चले, कम में दम
दाम में कम। ओहो, तो धोबी छाप साबुन लगाने से क्या हमें शक्तिमान जैसी शक्ति मिल जाती है? जी हाँ। देखिए गंगाधर महोदय, मुझे शक्तिमान की शक्ति का राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि शक्तिमान में कितनी शक्ति है और कौन कौन सी शक्ति है। Do you understand? Yes, I understand. You better. हम जानते हैं कि सब लोग शक्तिमान की शक्ति के बारे में जानने में विश्वास रखते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि लोग दूसरों की शक्ति को जानने और पहचानने का प्रयत्न करते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी शक्ति को पहचानने, जानने और उसे बढ़ाने का प्रयत्न करे। क्या सरकारी अस्पताल में बम? Oh my God! अस्पताल में बम? पहले इम्तिहान में तो हम दोनों ही कामयाब रहे, अब बारी है दूसरे इम्तिहान की। अब हमें पता चल सकेगा कि शक्तिमान को यहाँ से सैकड़ों मील दूर होने वाले हादसों का पता चल भी सकता है या नहीं। देखते हैं शक्तिमान हिमाचल के पहाड़ों से कर्नाटका के जंगलों तक कितने टाइम में पहुंचता है। नताशा, ये वार भी नाकाम हो गया जेजे साहब। नहीं माथुर, हमारा ये इम्तिहान बिल्कुल कामयाब हुआ है। इससे कम से कम ये तो पता चलता है कि समुद्र की तूफानी लहरें भी शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका मतलब है वो हर वार से बच सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए उसे बाहर से खत्म करने से बेहतर होगा कि उसे अंदर से खत्म किया जाए। क्या मतलब? जहर, काकोदर का जहर। एक ऐसा घातक जहर है काकोदर का कि अगर एक पेड़ पर फूंक दे तो सारा जंगल जहरीला हो जाए, और अगर समुद्र में फूंक दे तो सारा समुद्र जहरीला हो जाए, और इसी जहर से मौत होगी शक्तिमान की। देखना चाहते हो? काकोदर के जहर से शक्तिमान का विनाश।
इस जहर का एक अंश सैकड़ों जिंदगियों के दिलों की धड़कन को बंद कर सकता है। शक्तिमान इस जहर से हरगिज नहीं बच सकता। लेकिन ये जहर शक्तिमान तक पहुंचेगा कैसे? इसका तरीका तुम्हें सोचना होगा माथुर। तुम्हें इस जहर को शक्तिमान के खून में उतारना होगा। मैंने शक्तिमान से वादा लिया था कि वो हमारे फैन क्लब की ओपनिंग में जरूर आएगा। याद रख अप्पू, अगर शक्तिमान नहीं आया तो मैं अपनी इस केक के पैसे तुझसे ले लूंगा, क्योंकि मैंने केक स्पेशली शक्तिमान के लिए बनवाया है। और अगर शक्तिमान नहीं आया तो मेरा तो ये केक बेकार हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर शक्तिमान नहीं आया तो ये केक मैं खा लूंगा। तेरा केक का पैसा वेस्ट नहीं होगा। देखो, अगर शक्तिमान ने अप्पू से कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। अब बहस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जल्दी काम शुरू करो। ठीक है ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना केक तो अंदर रख के आऊं। चलो हटो हटो हटो, चलो हटो, साइड प्लीज, हर साइड प्लीज। अच्छा ही होगा, ये भी क्या याद रखेगा। गाड़ी है, माल भी अच्छा है, माल अच्छा है तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। चल शालू, हो जा शुरू। शालू अब क्या? छुप जा। शालू, अब न जाने गाड़ी कहां जाके रुकेगी। खैर, देख ही जाएगी।
ओहो, ये तो मेयर हाउस है, यहाँ तो बड़ा हाथ मर सकती है शालू। देखे तो सही मेयर ने अपना घर कैसे सजाया है। जी हाँ जेजे साहब, वो केक जो उस बच्चे ने स्पेशली शक्तिमान के लिए बनवाया था, मैंने उसमें जहर मिला दिया है। बस केक का एक टुकड़ा अगर शक्तिमान के मुंह तक पहुंच गया तो शक्तिमान वहां पहुंच जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। माथुर, बहुत ही बड़े बेवकूफ हो तुम। अगर वो जहर शक्तिमान से पहले किसी बच्चे ने खा लिया तो शक्तिमान को पता चल जाएगा कि उसमें जहर है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जेजे साहब कि शक्तिमान से पहले वो केक कोई नहीं चखेगा, और शक्तिमान के खत्म होने के बाद चाहे सारे के सारे बच्चे खत्म हो जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है। ओह माय गॉड, मुझे ये खबर फौरन पहुंचानी होगी। कैसे हो दोस्तों? देखा, मैंने कहा था ना, शक्तिमान ने प्रॉमिस किया है वो जरूर आएगा। देखा, आ गया ना शक्तिमान। सबसे पहले तुम्हें रिबन काटना पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद गिरीश का केक, गिरीश की मम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप लोगों के इस फैन क्लब का मकसद क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही, जस्ट फॉर फन। नहीं बच्चों, शक्तिमान को ऐसे फिजूल काम बिल्कुल पसंद नहीं जिनका कोई मकसद नहीं, जिनसे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो आप ही बताइए ना, हमारे फैन क्लब का मकसद क्या होना चाहिए? वही जो शक्तिमान का मकसद है, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, उनकी मदद करना जो लाचार और बेसहारा है। यू मीन स्काउट वॉलंटियर्स? बिल्कुल। अगर तुम सब लोग मिलकर मुझसे एक वादा करो कि इस फैन क्लब के सभी बच्चे मिलकर अच्छा अच्छा काम करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो मैं इस फैन क्लब का न सिर्फ मेंबर बनूंगा बल्कि उद्घाटन भी करूंगा। हम वादा करते हैं। तो हम रिबन काटते हैं, चलो। अरे भाई कैंची तो लाओ, क्या मैं अपनी उंगलियों से काटूं? अरे आती कैंची लेना। क्या बात है, पूरी तैयारी करके रखी हुई है। ऐसे पकड़ते हैं? हाँ। काट दूं? हाँ। काट दूं? हाँ। शक्तिमान, अब मेरा केक। केक कहाँ है? अंदर है? हाँ। चलो। हाँ।